हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनारीट्यूब प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग अपनी क्लास आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की क्लास को आगे करते हैं। जैसा कि लेक्चर 12 में हम लोगों ने ओएस फंक्शन ऑफ ओएस और ओएस कितने प्रकार को, इस पर बात की थी। और मैंने बोला था लेक्चर 13 में जब आऊँगा तो ओएस में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम्स में आते हैं उस पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी। तो इसको स्टार्ट करें, लेक्चर 13 में हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ओएस। जैसे पहला टर्म जो एमबीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है। एमबीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो लिख लेना मास्टर, बाकी नोट्स में तो रहेगा ही। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस उन्हें क्या करना है एक बार लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है बस। मास्टर बूट रिकॉर्ड ये है क्या, ये एमबीआर क्या है? एक तरह का इंफॉर्मेशन है। एम बी आर इज़ अ इंफॉर्मेशन जो कहाँ स्टोर होता है, किसी भी हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में। मैंने बताया था जो मेमोरी होती है वो सेक्टर में डिवाइड होती है, तो जो एम बी आर इंफॉर्मेशन है वो किसी भी हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में रहता है, प्लेस रहता है। जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट सेक्टर में प्लेस होता है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि जो हमारा ओएस है वो कहाँ पे स्टोर है, हार्ड डिस्क में किस जगह स्टोर है, वो इन्फॉर्म करता है या वो उसकी लोकेशन लेता है। उसके बाद जब सिस्टम ऑन करते हैं तो उस ओएस को फाइंड करके क्या काम करता है, उसको प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम करता है, यानी उसको बूटिंग कराने का काम करता है कौन, एम बी आर। तो एम बी आर इज इंफॉर्मेशन स्टोर इन एनी हार्ड डिस्क फर्स्ट सेक्टर दैट लोकेट ओएस, ओएस को लोकेट करता है एंड लोडेड इन टू प्राइम मेमोरी। उसको क्या करता है, प्राइम मेमोरी में लोड करने का काम करता है या बूटिंग कराने का काम करता है। ठीक, तो एम बी आर इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट सेक्टर में स्टोर होता है, ये लोकेट करता है किसको, ओएस की इंफॉर्मेशन को, और बूट करने का काम करता है कैसे, सेकेंडरी मेमोरी से ओएस को प्राइम मेमोरी में लोड कराने का काम करता है। असल में जब सेकेंडरी मेमोरी से जब ओएस प्राइम मेमोरी लोड हो रहा होता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग टाइम बोलते हैं, या कहते हैं ना सिस्टम बूट हो रहा है। तो सिस्टम बूट होने समय होता क्या है, जो हमारा ओएस है वो सेकेंडरी से प्राइम मेमोरी में लोड हो रहा होता है। अगला कर्नल, सबसे पहले कर्नल जंग होता क्या है, इसकी डिफिनेशन होती है कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज द कोर, सी ओ आर ई, कोर ऑफ द ओएस। कर्नल क्या है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। तो कोर समझ नहीं आ रहा होगा, कोर जान लो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, कर्नल, उसके बाद क्या होगा सेल, उसके बाद क्या होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उसके बाद कौन होंगे, यूज़र होंगे, यूज़र। ठीक, तो यूज़र क्या करता है, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करेगा, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगा, सेल के पास आएगा, वो सेल कहाँ भेजेगा, कर्नल के पास भेजेगा, कर्नल किसके पास भेजेगा, हार्डवेयर के पास भेजेगा। ठीक, तो जो हमारा कर्नल होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, दिल होता है, बिना उसके ओएस काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन आएगा ओएस उसको इंस्ट्रक्शन को लेगा, जब ना किसी हार्डवेयर पर भेजेगा। तो जो कर्नल होता है एक तरह का एक थिन लाइन होती है जो हार्डवेयर और ओएस के बीच में कार्य करती है, जब ब्रिज काम करती है। ठीक, तो कर्नल इज़ द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, या कह सकते हो हार्ट ऑफ द ओएस। ठीक, नेटवर्क ओएस क्या होता है, ओएस पढ़ा था अभी टाइप्स ऑफ ओएस में। नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि नेटवर्क ओएस आप लोग सभी जानते हैं, इस समय नेटवर्किंग का ज़माना है। हर ऑफिस में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, और बाहर उस जितनी 10 15 20 कंप्यूटर उस सर्वर से जुड़े होते हैं। ठीक, तो सर्वर में क्या होता है, ओएस इंस्टॉल होता है, और सब जो हमारा सर्वर है वो हर अलग अलग क्लाइंट को अपना ओएस डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी ओएस एक होता है लेकिन दिखता 10 में। तो ये इन्वायरमेंट जो होगा वो हमारे नॉर्मल ओएस से नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें एक स्पेशल ओएस इंस्टॉल करना होगा, उस स्पेशल ओएस का नाम होता है नेटवर्क ओएस।
नेटवर्क का इसके एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? विंडोज़ का ही आता है, विंडोज़ सर्वर 2000, विंडोज़ का ही आता है विंडोज़ एनटी। इसके अलावा लाइनेक्स, ठीक, ये सब क्या है? नेटवर्क ओएस है। और आपको सर्वर और क्लाइंट का एनवायरनमेंट बनाना है अपने घर में, ऑफिस में, तो आपको एक अलग ओएस की जरूरत पड़ेगी। उस अलग ओएस का नाम क्या है? नेटवर्क ओएस। उसमें से आप विंडोज सर्वर भी यूज कर सकते हैं, विंडोज एनटी भी यूज कर सकते हैं, लाइनक्स भी यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या, उस सर्वर जो कंप्यूटर होगा असल में वो क्या करेगा, एक बार एक जगह इंस्टॉल कर दो, 10 जगह दिखा दो, एक बात हुई पहली। 10 लोग जो काम करेंगे वो सर्वर में ही आके सेव होगा, सर्वर वाला जो यूज़र होगा वो अदर यूज़र को मैनेज कर सकता है, उसकी सारी चीज़ें देख सकता है। ये सारा इन्वायरमेंट जो सेटअप होगा वो नेटवर्क हो सकता है। आप देखते होंगे साइबर कैफे में जाते होंगे, प्रिंटर एक होता है, लोग 10 होते हैं, कोई भी 10 में से कोई भी यूज़र प्रिंट मारता है, लेकिन उसी प्रिंटर से निकल जाता है। वहाँ पे क्या है, एक सर्वर और क्लाइंट का सेटअप किया गया, जहाँ एक प्रिंटर अलग अलग कंप्यूटर में शेयर किया गया है। कैसे शेयर किया गया है? नेटवर्क ओएस के माध्यम से शेयर किया गया है। और वो नेटवर्क विंडोज सर्वर 2000 हो सकता है, विंडोज एनटी हो सकता है, और लाइनेक्स भी हो सकता है। एनटी का फुल फॉर्म लिख लेना, एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक। तो एनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। तो एक तरह का ये कैसा है, नेटवर्क नेटवर्क टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है वो क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, क्योंकि हम जानते हैं प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब कोई प्रोग्राम, ये मान लो प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, की प्रोसेसिंग, इसको एग्जीक्यूशन के लिए जब भेजते हैं तो इस एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ये जो प्रोग्राम है जब ये एग्जीक्यूट होता है तो इस एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, ये चीज़ प्रोसेसिंग हो रही, रिजल्ट आने वाला है, तो हमने कोई चीज़ प्रोग्राम बनाया था, उसको हमने क्या एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा। जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस बीच की समय को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम इसका डेफिनेशन जो होगा, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। अगला बूटिंग। बूटिंग शुरू में बताया था, बूटिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है? सिस्टम अगर बंद है तब वो कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में होता है। और हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक, सेकेंडरी मेमोरी है। अगर हमें अपने ओएस का यूज़ करना है हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम जैसे ही ऑन करते हैं तो जैसे ही ऑन करेंगे, विंडोज 7 लिख के आया, विंडोज 8 लिख के आएगा, फिर थोड़ा समय लेता है। तो थोड़ा समय जो लेता है उसमें होता क्या, उसमें ये होता है जो हमारा ओएस है वो हार्ड डिस्क से उठ के, ये हमारा ओएस है जो कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में है। ये हमारा रैम है। तो ये जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं, ये ऑन किया, जो हमारा ओएस है वो क्या उठ के आता है? कहाँ पे? रैम में लोड हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो बूटिंग इज अ टाइम व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इनटू रैम फ्रॉम हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। यानी ओएस जो होता है हमारा, जब सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में लोड हो रहा होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है? प्राइमरी से, ना कि सेकेंडरी से, ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, सेकेंडरी मेमोरी ओएस है, तो जाहिर सी बात है ओएस को कहाँ आना है? हमारे प्राइमरी में आना है। तो इस जो आने की जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग से ही याद आया, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार बूट होता है। एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट किसे बोलते हैं? कोल्ड बूट सिस्टम समझ लो एकदम इजी है, जब सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, ठीक, आए घर पे, पावर ऑन किया, पावर सीपीयू को सीपीयू प्लग किया,
जब सीपीयू के बटन को प्रेस किया, सिस्टम जब ऑन हुआ, तब जो बूटिंग होगी वो कोल्ड बूटिंग होगी, ठीक। यानी फर्स्ट टाइम जो सिस्टम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग कब होती है? जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, यानी आपने पूरा तरह से पावर बंद नहीं किया, अपने सिस्टम को बंद करके फिर स्टार्ट कर दिया, यानी रिस्टार्ट बटन से आपने उसको रिस्टार्ट कर दिया। तो जब सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग होती है, और फर्स्ट टाइम जो सिस्टम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है। तो ये फर्स्ट टाइम कोल्ड समझ ही रहे होंगे, जब से पूरी चीज़ें ठंडी हैं, आपने पावर ऑन किया तुरंत वो सीपीयू बटन पर क्लिक किया और फिर तब जाके सिस्टम स्टार्ट हुआ। वार्म में क्या, सब चीज़ चल रही है लेकिन सिस्टम बंद करके फिर से ऑन हुआ, तो वार्म बूटिंग, यानी सारी चीज़ें गर्म है, बस सिस्टम एक बार क्या प्रोग्राम शट डाउन हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया, हमारी सारी मशीनें लेकिन चल रही है। तो वार्म बूटिंग में क्या होता है, जब सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे बूटिंग कितने प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म बूट आसानी से समझा सकते हो, ठीक। इसके अलावा मुझे एक चीज़ याद आ गया, SMPS का फुल फॉर्म कई बार आया, फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक। SMPS क्या है, करता क्या है, जो हमारी मदरबोर्ड है वो डायरेक्ट करंट को नहीं ले सकता, अगर डायरेक्ट उसमें गया तो वो जल जाएगा। तो SMPS क्या होता है, ये हमारा पावर है, SMPS में आता है फिर मदरबोर्ड में जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट को एक्विजिशन करंट में चेंज करता है, DC को AC में चेंज करने का काम कौन करता है, हमारा SMPS करता है। इसके अलावा UPS का फुल फॉर्म कई बार आया है, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक। UPS क्या करता है, एक तरह से बैकअप देता है, लाइट कट जाने पर सिस्टम डायरेक्ट बंद ना हो उसकी प्रक्रिया होती, बंद कर शट डाउन करना पड़ता है, डायरेक्ट बंद ना हो, अगर डायरेक्ट बंद होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर रुक सकता है, तो डायरेक्ट बंद ना हो हमारी फाइलें, मान लो कुछ टाइप करें लाइट चलेगी तो हमारा जो भी हमने सेव नहीं किया सब जा सकता है। उससे बचने के हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बैकअप लेते हैं, उस बैटरी बैकअप को हम लोग क्या बोलते हैं, UPS बोलते हैं। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना हमारी पावर सप्लाई बाधा आए सिस्टम हमारा चलता रहे कुछ समय के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेक्चर 30 में जैसे बताया था इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ आऊँगा, कुछ वहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्ज़ाम के पर्पज से, जुलाई के एग्ज़ाम पर्पज से आपको बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे लेक्चर 14 जब हम स्टार्ट करेंगे तो कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंतर क्या है ये बहुत बार पूछा जाता है। चलो हम लोग जो पढ़ चुके हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या अंतर होता है, ठीक, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप लोग हमारे लेक्चर को देख लीजिएगा, बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स भी मिलती जाएगी, इतने लेक्चर होंगे उसके नोट्स अलग से मिलेगी, तो आप नोट्स से एक बार लेक्चर देखिए फिर नोट्स पढ़िए, 100% गारंटेड आप पास हो गए। अभी हमारा रिजल्ट भी आया था, मैंने अगले लेक्चर में चर्चा की थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बस स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो हम लोगों ने बताया उसको पढ़ा, नोट्स पर ध्यान दिया, क्योंकि किताब खरीदें किताब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी आप वो पढ़ नहीं सकते, ठीक। और हमारे कुछ आप लोग स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ अदर तैयारी कर रहे होंगे, पूरा समय इसमें नहीं देख पाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, हमें अधिक से मोटिवेट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। और हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित किए कि ताकि हम लोग और आगे वीडियो बनाएं, ठीक। तो लेक्चर तो हम लोग समाप्त करते हैं, इसी तरह की जानकारी चाहिए तो 8318119800 पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो वेबसाइट है BinaryTube.in से भी आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और नोट संबंधित नई वीडियो जो आ रही हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग ने एक चैनल बनाया है, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। बाकी इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक होगा टेलीग्राम का, बाकी अगर आपके पास टेलीग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे BinaryTube प्रयागराज, इसको सर्च करके आपको क्या करना है,
ज्वाइन कर लेना है। तो जितनी वीडियोस हमारी आएंगी हमारे चैनल से फ्री वाली, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, भेज दीजिए। कोई तो जानकारी चाहिए यार, कोई मॉडल पेपर हमने अभी लॉन्च करने वाले हैं, मॉडल पेपर जो रहेगा वही आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर पर हम लोग लेक्चर 14 में कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर के साथ आएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।